Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे दिल बेकरार है दिल बेकरार है तो मुहब्बत कहो इसे ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत यहाँ से जाना होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। इससे पहले कि हिना वापस आ जाए, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है तो मुझे भी मेरी आगे आने वाली जिंदगी नजर नहीं आ रही है मुनीब। मैं भी चीखूंगी, मैं भी चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, चीखो, चिल्लाओ। यहाँ तुम्हारी बहन और उसकी बच्चियां लोड शेडिंग की गर्मी से झुलस रही है और वहां वो तुम्हारा फिरौन बाप लड़की को लाके धड़क जा रहा है। बाप का नाम लिया तूने तो क्यों ना हूं भाई, वो बेटी बेटी कह के तो धड़क जा रहा है उससे वो। मुनीब भाई, मैं हाथ नहीं उठाने दूंगी। बस फिर से दुनिया के सामने तमाशा बनाएंगे, मुझे जलील करवाएंगे सबके सामने। वो पहले तो मैं जिस बात में बगैर सोचे समझे निकल गया था, मगर अब मैं बात सोच समझ कर बड़ी तरीके से जाऊंगा। आप मुझे तो समझाते रहते हैं, खुद उन बातों पर बिल्कुल अमल नहीं करते। आप मुझे बताते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को दौड़ते भागते खेलते कूदते कोई चोट नहीं पहुंचने देती, उसकी हिफाजत करती, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने उसी बच्चे को पॉल बना लेते हैं, बहू के साथ फुटबॉल खेलते हैं उससे। उस माँ को वहां कोई लालच नहीं होता सिवाय इसके कि उसने अपनी बहू के खिलाफ गोल कितने बनाए। इस बात का उसको कोई एहसास नहीं होता कि उसके बच्चे को कितनी ठोकरें नहीं लाते पड़ रही। Thank you.
मुनीप, क्या ड्रामा है ये सब? क्या तुम्हारी बीवी कहां गई है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अचानक से उसने अपना सारा सामान पैक किया और वो चली गई। बता दिया था मैंने उसको सब कुछ। और फिर तुम लोगों ने ये प्लान बनाया कि मुझे कूल डाउन करने के लिए तमाशा किया जाए। मैंने कहा था तुमसे कि वो तुम्हें फेस नहीं कर सकेगी। उसे मुझे फेस करने की जरूरत भी क्या है? तुम जो मुझे फेस करने के लिए। Well, she is gone now. How do you know she is gone? तुम्हें तो पता ही नहीं वो कहाँ। मैंने कहा ना कि अब उसका रुकना बनता ही नहीं है। लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे मुनीब। तुम्हें उन मर्दों में क्या फर्क है जो काम करने वालियां रख लेते हैं, जो उनके काम के साथ साथ दूसरे मतलब भी पूरे करती हैं। फिर यही सब कुछ करना था तो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को गंदा करने की क्या जरूरत थी? Well, she is gone now. I don't give a damn. कोई तुम्हारी जिंदगी में रहती है या नहीं रहती, मगर मैं नहीं रहूंगी। अब नहीं रह जाएगा मुझे इस घर में। मुझे क्या देख रही हो? देखना है तो अपने बेटे की जाकर देखो, वो किस हालत में लांजा पड़ा हुआ है। बिल्कुल जैसे लावारिस बेसहारा बेघर लोग फुटपाथों पर पड़े होते ना, बिल्कुल उसी तरह से पड़ा हुआ है। अब आप फिर अपना सामान बांधेंगे? इससे पहले कि वो हमें घर से निकालते ना, बेहतर यही कि हम खुद इज्जत से घर से निकल जाए। आप इस हाल में बेटे को अकेला छोड़ के जाएंगे? नहीं आशा, नहीं। बीमार हमारे वजह पड़ रही है उसको। हम निकल जाएंगे तो तब ठीक हो जाएगा। मैं तो समझी थी कि लड़ाई हानिया की वजह से, वो चली जाएगी तो ये दोनों मन जाएंगे एक दूसरे से।
नहीं आशा, नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? हमें क्या लेना है उससे? अब समझ में आ रहा है कि वैसा क्यों कह रही है। क्यों कह रही है? इसलिए कि कनाडा में दो कमरे, सर्दी, सख्ती, शायद इसीलिए वो ये घर पेश करना मां कनाडा में अपने लिए बड़ा घर लेना चाहती है। तो हम कहां जाएंगे? तुम्हारे पास तो ठिकाना है, सोचना तो मुझे है मैं कहां जाऊंगा। ये मेरा क्या ठिकाना है? तुम्हारे दामाद का घर। वहां जाके खा लो ना, यहाँ मेरे सारे कपड़ों पे क्यों गिराओगे? तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पी ली है मैंने चाय। खा लो थोड़ा सा, इतनी लंबी लाइन में लग के लाया हूँ। मैं नहीं खाती ये सब कुछ अब। अरे वाह, पहले तो बड़े शौक से खाती थी। खत्म हो गए मेरे सारे शौक। अच्छा थोड़ा सा खा लो ना मेरी खाते। उठाओ ये सब कुछ, उठाओ इसे, वरना फेंक दूंगी मैं यहां से सब कुछ उठाकर। तुम नहीं खा रही तो फिर मैं भी नहीं खा रहा। छुपाती क्यों इतना? वैसे ये जो तुम ऊपर से दिखती हो ना, ऐसे तुम हो नहीं। हा? कल रात देख लिया मैंने, कसम है तुम्हारी जान की। मेरी कसम मत खाया करो, कितनी बार मना किया मैंने। अच्छा मेरी जान की कसम, आज भी प्यार करती हो तुम मुझसे? हाँ, पर ऐसे अपने भाई का हाथ तो नहीं रोकती ना तुम? हाँ, वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं, भाई के प्यार में रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपनी बीवी की मुसीबत के साथ साथ तुम्हारी भी कोई परेशानी अपने गले में डाल। चाय बना दो तुम्हारे लिए। बस हम अभी पीता हूँ, मैं दो मिनट ले। एक कप चाय पी ले ना। नहीं अब्बा जी, आप पिए बस, मैं अभी पीता हूँ बाद में। ये ले, ये पी ले, शाबाश। अरे अब्बा जी आप पिए ना चाय, दूसरी बन जाती है। पी ले यार, पी ले। नहीं मैं कपड़े बदल के फिर आराम से एक ही मर्तबा नाश्ता करूंगा। अरे यार अब तो मैंने चीनी डाल दिया। क्या देर से आई थी ना रात को? अच्छा बस उसको आराम से चाय पीने दो।
ये ले बिस्किट ले ले, बड़े मजे के खा ले यार। मतलब बारिश अबा बड़े शौक से खाते थे, छीन लिया करते थे, खा ले शाबाश ले। रात को फोन आया था बच्चों का, मैंने कुछ नहीं कहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तुम जाओ और मेरे लिए कप चाय बना कर लाओ। पानी रख के आई हूं ना, तो खुद तो नहीं आ जाएगी ना, जाओ ना। और वो मुझे तुझसे एक जरूरी बात भी करना है। जी भाई। यार वो कुछ दिनों से पुराने दोस्तों की याद सता रही थी और तेरी माँ भी हरबत बस ताने देती रहती नफीजा के लिए, तो सोचा था कि कुछ दोनों के लिए हम दोनों उधर चले जाते हैं पुराने महल्ले में। अजी अरे नहीं तू तो घबरा नहीं है, इकबाल की तरफ नहीं है वो। आज ही रमजान है ना, मेरा दोस्त पुराना याद है तुझे, आजकल बिल्कुल अकेला है। उसका बेटा जो है वो अब बीवी के साथ पे हज पे गया हुआ है। कुछ दिनों बैठेंगे, बातें करेंगे, पुरानी यादें ताजा कर लेंगे। तलाक दे दो मुझे, वरना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा जब कनाडा में मैं किसी से मरासम बनाऊंगी, और जब तुम कनाडा आओगे बच्चे तुम्हारे हवाले करके मैं भी उसके साथ किसी ट्रिप पे जाऊं। क्या कर रही हो रे रहने वाले, मेरा अब इस घर और इस घर की हर चीज से दिल उचाट हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे कि वो नहीं मानेगा। बच्चे कम मानते हैं माँ बाप की बातें, माँ बाप को ही उनकी खुशी और भलाई के लिए मानना पड़ती है उनकी बात। आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि आप हमेशा सही हैं? अच्छा भाई ठीक है, मैं गलत हूँ, तो बताओ क्या करें। आप जरा सोचिए लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे और हम किस किस का जवाब देंगे। किस शान से उस मोहल्ले से निकले थे और अब किस बेइज्जती के साथ वापस जा रहे हैं। तो चलो कल कहीं और चलते हैं। कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन बहुत वसी है आयशा, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला हर गलत फैसले में बंदे की मदद नहीं करता। जो भी ठीक है मैं ही गलत हूँ, अब तुम बताओ फिर क्या करें। फैसला करना जरूरी है क्या? यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में हम जैसे मजबूर माँ बाप मौजूद हैं, हम भी सही। तो तुम क्या उस दिन का इंतजार कर रही हो ये भी खुद हमें हाथ पकड़ कर इस घर से निकाले जैसे खानियों को निकाला था। हिना 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 Thank you.
वो दोनों भी घर छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने तो किसी से नहीं कहा घर छोड़ने के। वो तो ठीक है, लेकिन वो तो यही समझ रहे हैं ना कि तुम उन्हें घर से निकालना चाहती हो। अब उनकी सोच तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सच बोल रहा हूं। उन्होंने बात भी कर ली है, पुराने मोहल्ले में कोई घर है जो वो रेंट पे ले रहे हैं। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आराम से तुम्हारी बीवी उन्हें वहां पे ज्वाइन कर लेगी। वो चली गई है, हमेशा के लिए चली गई है। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता मुनीब। तो फिर कैसे यकीन आएगा तुम्हें, कैसे यकीन आएगा? कोई जरूरत नहीं है मुझे यकीन दिलाने की। मुझे हानिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो रहती है जाती है और उनकी बट्टा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम चले गए मेरी जिंदगी से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों जगह नहीं है? यही समझाने के लिए मैं तुम्हें कह रही, तलाक दे दो मुझे, वरना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा जब कनाडा में मैं किसी से मरासम बनाऊंगी, चोरी छुपे उससे मिलूंगी, मुंह पे वो सबके सामने मुझे अपनी बहन कहेगा, मेरे बच्चों को मामू बन के प्यार करेगा, और जब तुम कनाडा आओगे बच्चे तुम्हारे हवाले करके मैं भी उसके साथ किसी ट्रिप पे जाऊं। अल्लाह खैर करे। उठाओ इन टुकड़ों को, जोड़ो, तुम्हारा बना सकते हो वो चीज जो टूटने से पहले थी। कर सकते हो ऐसा? बताओ मनी, छोड़ सकते हो इन किरचियों को? मैं भी ऐसे टूटी, मेरे भी इतने ही टुकड़े हुए, ऐसी ही किरचियां बिखरी है मेरी जात की, मुझे भी नहीं छोड़ सकते थे। हाथ लगाओगे तो हाथ कट जाएगा तुम्हारा, इन्हें समेट के रखोगे तो कोई चीज नहीं होगी, टुकड़े होंगे बस। जो तुम्हें रोज जख्मी पे मैं जो अब बोल रही हूं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ मुनीब, शायद तुम्हारी मोहब्बत में कर रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ इन टुकड़ों को समेटने की कोशिश मत करो, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नहीं उठाकर बाहर फेंकूंगा तो मैं बच जाऊंगा। मैं भी टूट कर गिर जाऊंगा डस्टबिन में इनके साथ। मेरी जात के टुकड़े हो गए, किरचियों की तरह बिखर जाऊंगा। तो क्या करूं? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? बस मुझे सजा दो, जला दो, मारो, जो चीज भी करो, लेकिन प्लीज मेरे दूर चले की बात मत। मैंने कहा ना तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी मेरी तकलीफ, मेरे कर्म की तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक मैं किसी और मर्द के पास से होकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी जब तुम्हें मुझसे
किसी और की खुशबू आएगी, जब तुम मुझे छूने लगोगे और तुम्हें किसी और का लम्स रिंगता हुआ मेरे जिस्म पे मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा जो बात तुम मेरे लिए सोच भी नहीं सकते। तुम चाहते हो वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए भूल जाऊं, सिर्फ इसलिए कि तुम मर्द और मैं औरत हूं। नहीं मनी, नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम टूटते हो तो टूट जाओ, मगर मैं खुद को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। आयशा, ये क्या हो गया तुम्हें? दिमाग सही तुम्हारा? ये तुम क्या कर रही होगी? देखिए, इस घर में पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब आप खुदा के लिए दूसरी लड़ाई ना शुरू कर दें। तो ठीक है, मेरा भी सामान बांधो, दोनों लेकर जाते हैं। आपको हमेशा अपनी ही क्यों पड़ी रहती है? आपकी इज्जत, आपकी सहूलत, किसी दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते आप कभी? उसी के बारे में सोच के जा रहा हूं यहां से। देखिए, आप जा नहीं रहे, आप पीछा छुड़ा रहे। और जो तुम कह रही हो वो क्या है? आसेब है मदली, आसेब। जिन आ गया हमारी बच्ची पर, वो बेबस है बिल्कुल, अपने आपे में नहीं है। आपने उसकी शक्ल देखी, उसकी आंखें देखी, कितनी वहशत है उनमें। अब मेरे ये मामला बिल्कुल समझ आ चुका है, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये मामला कुछ और है। तुम्हारे ख्याल में अगर ये आसेब है तो फिर किसी पीर फकीर किसी आलम को बुलाओ ना। ये नफीसा के पास क्यों जा रही हो? वो क्या कर सकती है? देखिए, वो इकबाल के साथ बिल्कुल यही करती है, बिल्कुल यही। तो फिर मुझे तो लगता है कि ये वही सिलसिला है। आपको याद है ना, हिना अपने आने के दूसरे दिन नफीसा से मिलने के लिए गई थी, है ना? बस उस दिन के बाद से जो उसका मिजाज बदलना शुरू हुआ है, तो आप देख लीजिए आज ये नौबत आ गई। नहीं आशा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस बार मैं आपके रोकने से बिल्कुल नहीं रुकूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। हाँ, मैं यहां आपके डर के मारे अपनी बेटी के गम में घुलती रही हूं, लेकिन अब मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है बैठ जाओ। मगर नफीसे के पास क्यों जा रही हो? वो क्या कर सकती है तुम्हारे लिए? मुझे पता है, उसको कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा, उसको पता होगा कुछ ना कुछ। वो कुछ नहीं जानती, मत परेशान करो इसे। ओहो, बड़े जल्दी ख्याल आ गया आपको उसकी परेशानी का। मत जाओ आशा, नफीसे का जो जिन है ना, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें भी चिमर जाएगा। हाँ आयशा, मैं उससे मिल चुका हूं, मैं जानता हूं कि वो कौन है।
और क्या करना चाहता है? वो सामान बांध रहे हैं अपना। मैं भी पैकिंग ही कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूं तो तुम रुक लोगी उन्हें? हाँ, तो रोक लूंगी। या तुम मदद कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम मदद कहो इसे। ये उस दौरान की बात है जब तुम अपनी बेटी नफीसा को इकबाल के जुल्म से बचाने के लिए उसके घर में रह रही थी, और मैं मस्तवी नाराज़ के लिए इधर इस घर में बैठा हुआ था। वो मेरी नाराजगी, वो मेरा गुस्सा महज दिखावा और बनावट थी, क्योंकि मैं चाहता था कि इस बहाने जितने दिन भी तुम उस घर में रहोगी तो कम से कम मेरी बेटी नफीसा इस मनहूस आदमी के जुल्म और मार से बची तो रहेगी। और फिर एक दिन छुप कर नफीसा मेरे पास आई। अब्बा जी, आप मेरे लिए परेशान मत हो, मुझे आदत है उसके इस रवैये की। आप बस किसी तरह अम्मा को यहां ले आए, वो वहां बहुत बुरे हाल में। नहीं बेटा, अगर वो यहां आएगी ना तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत में रहेगी। मां है, परेशान रहेगी तेरी वजह से। अब्बा जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, थूकते हैं गुस्सा। आप एक बार दरवाजे पे चल के जाएंगे ना, अम्मा फौरन आपके साथ चल पड़ेंगी। बेटा मेरी बात मान, अपनी माँ को वही रहने दो। एक बात बताऊं आपको अब्बा जी, एक बात मुझे रोजाना ताने देता है कि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी बाँ को मेरी तरह खींच के रखा हुआ है। तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बकता है मेरे बारे में तो बकते दो, बकवास करने दो उसको। लेकिन अब्बा जी, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ आपके पास, बहुत मुश्किल से। नफीसा, तू समझती क्यों नहीं बेटा, तेरी माँ की मौजूदगी ना तेरे घर में ढाल है। वो बीच में सड़ गई ना तो वो खबीस कमीना जितना बुरा अब तक करता रहा ना, उससे ज्यादा बुरा करेगा तेरे साथ। इस घर की लालच में उसकी आंखों में खून उतर आया है, खून उतर आया उसकी आंखों में। थोड़ा सबर से काम ले। अब्बा जी, मैं जानू और मेरा नसीब जाने, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती नहीं देख सकती हूँ। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? इस तरह से रोज मार खाका कर बेइज्जती की जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि तू तलाक लेकर अपने बाप के घर बैठ जा। अभी जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं। बेटा, मैंने तो अपनी बेवा बहन का बेटा समझकर तेरा हाथ उसके हाथ में दिया था कि अपना खून है, तुझे गले से लगा के रखेगा। मुझे नहीं पता था कि उस कदर खबीस और कमीना देख लेगा कि मेरी बेटे हाथ उठाए वो। नहीं अब्बा जी, जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। अभी तो सिर्फ एक बाल मारता है ना, तलाक के बाद ये सारे लोग मिलकर मुझे मारेंगे, शायद मेरी बेटियां भी। क्यों क्यों खाओ तुम मां, क्या कमी है तुम्हें? है बेटा,
जिस तरह से इंसान अपना घर साफ करने के लिए कचरा निकाल के बाहर फेंक देता है ना, उस कचरे को बाहर निकाल के फेंक दो। तुम इसलिए मार खाती रहो क्योंकि तुम एक औरत हो, और लोगों ने यह कह दिया है कि शौहर जो है वो मजाज खुदा है, और वो मारे तो उसके सामने हमेशा सर झुका दो। बेटा, शौहर जब शैतानी हरकतें करने लगे ना, तो उसको मजाजी खुदा कहना लफ्ज़ खुदा की तौहीन है, और उसके आगे सर झुकाना उससे बड़ा गुनाह है। देख बेटा, अब मेरी बात गौर से सुन। जब तक तुम उसका हाथ रोकने के काबिल नहीं होती ना, तुम्हारी माँ वहीं रहेगी, इसी में बेहतरी है। और अब जो कुछ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें मेरी सुताना पपी याद है ना? पता है, एक दिन अचानक बैठे बैठाए सुताना पपी से चिलचिमट गया, और जब तक उनकी सास अम्मा बिल्खी जिंदा रहीं, वो जिन उन पर चिमटा रहा, लाख तावीज किए, अमल करवाए, सारा जतन कर लिए, जिन ने उनकी जान न छोड़ी। जैसे ही उनकी सास अम्मा बिल्कीस का इंतकाल हुआ, मरी, उसी दिन वो जिन जो था वो भी उनके साथ दफन हो गया। ये सब कुछ मुझे सुताना पुपी ने खुद बताया था। मुझे कहने लगी कि बेटा, ये सब ड्रामा जो है ये मैंने अपनी सास के जुल्म से बचने के लिए रचाया था। बात यह है कि हमारे माशरे में अक्सर औरतें मजबूर होकर ये सब कुछ करती हैं। तो आप ये सब कुछ करा रहे थे नफीसा से? नहीं आयशा, मैंने तो उसको सिर्फ रास्ता दिखाया था, वो मजबूर में उस पर चल पड़ी। पता आयशा, अब तक वो तुम्हारी सुनती रही, तुम्हारी मानती रही, इसलिए इकबाल से पढ़ती रही, मार खाती रही। बात ऐसी है कि हमारे माशरे में माएँ जो है ना, वो अक्सर अपनी बेटियों को ये सिखाती हैं कि सर झुका के मार खाती रहे, या फिर मुनाफिक बनकर जोड़ तोड़ करने वाली झूठी मक्कार जिंदगी गुजारती। बराबरी की, सच्चाई की, सीधी एहतराम की जिंदगी कोई नहीं सिखाता, न बेटों को न बेटियों को। तुम देख लो ना, इसीलिए तो इन आमिनों की और पीरों फकीरों की और इन सब की दुकानें जो है वो चल रही हैं, कारोबार चमक रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे घर में? यहाँ भी जिन आ गया क्या? नहीं, ये जिन नहीं है, बला है आयशा, बला। और जब तक ये बला हमारे बेटे की जान नहीं छोड़ेगी, जब हम यहां से निकलेंगे। वो सामान बांध रहे हैं अपना। मैं भी पैकिंग ही कर रही हूँ। बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अब्बा चले गए ना उस मोहल्ले में, तो फिर वापस नहीं आएंगे। तो पहले सोचना था ना मुनीब, दिया तो था तुम्हें मशवरा तुम्हारे फायदे का, खुद ही स्मार्ट बन रहे थे। बड़ा शौक था दो दो बीवियां रखने का, तो अब भुगतो। अगर मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूं तो तुम रुक लोगी उन्हें? हाँ, तो रोक लूंगी।
जल्दी करो, वो लोग चले ना जान। तुम्हारी माँ अपने पैरों के नीचे की जन्नत लेके इस घर से चली ना जाए, या तुम्हारे बाप की नाराजगी की वजह से तुम पे खुदा का कहर ना नाज़िल हो जाए। बीवियों का क्या, वो तो बांध दिया, एक चली जाएगी दूसरी आ जाएगी खिदमत के लिए। हाँ कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, दो ना तलाक मुझे, चलो शाबाश जल्दी। जा रहा हूं मैं और जाके सच सच बता दूंगा, मैं कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने निकाह किया है उससे। तुम उनको अपने निकाह की खबर दे दो, पहले मेरी तलाक की खबर दो। क्या ख्वाहिश कहो से या तुम मदद कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम मदद कहो से। ऐसे नहीं जा सकते तुम। वो चले गए ना, वो घर छोड़ के चले जाएंगे। रुको, निकालो सब कुछ बाहर। ना तुम्हारी ना इस घर की कोई चीज लेके नहीं जा रहे हम। हानिया, इस घर में आपकी बेटी बनकर नहीं बल्कि मेरी बीवी बनकर रह रही। तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया, अब खुल के रहना अपनी बीवी के साथ। जब तक नहीं आई जब तक वो कब्जा कर लेती थी पूरे घर पर। पहली बीवी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर कभी आपको हिना में से और मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको छोड़ेंगे? हानिया को तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, सबको मैनेज करने के चक्कर में तुमने अपना घर ही तोड़ लिया। ख्वाहिश कहों से या तुम मदद कहों से।